अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे। वेलकम बैक टू माई चैनल नूराना व्लॉग। माशाल्लाह से रमज़ान आ गया और मज़े मज़े की चीज़ें बनना शुरू हो गई हैं, तो मैंने भी पोटैटो समोसा बनाए हैं, तो मैं आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने 2 कप मैदा लिया, उसके बाद मैंने 1/2 कप ऑयल ले लिया, यहाँ पर 1/2 टेबल स्पून नमक और 1/2 टेबल स्पून ज़ीरा ले लिया। उसके बाद 1 कप मैंने यहाँ पे ले लिया है पानी, ठीक है। बहुत मज़ेदार क्रिस्पी ये बनते हैं समोसे। तो जो मैदा है इसको आपने अच्छी तरह से छान लेना, ठीक है, ताकि कोई पार्टिकल जो है वो इसके अंदर ना रह जाए। तो अब जो हमारे पास इंग्रेडिएंट्स हैं उनको हम 1 बाय 1 करके मिक्स कर लेंगे, ठीक है। अच्छी तरह से हमने इसकी डो बनानी है, जितनी अच्छी हम इसकी डो प्रिपेयर करेंगे उतने अच्छे हमारे क्रिस्पी समोसा बनेंगे। तो पहले मैंने नमक और ज़ीरे को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया, ठीक है। उसके बाद पहले मैं जो ऑयल है इसको आधा डालूंगी और इसको अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लेना। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हमने इसको मिक्स कर लेना अच्छी तरह से, और इसको हमने देख लेना है कि ये अगर इकट्ठा ऐसे हो रहा हो तो फिर ठीक है, नहीं तो हमने मज़ीद इसमें ऑयल डाल देना। अब आप देखेंगे कि जब मैं हाथ में इसको लूँगी तो ये इकट्ठा होगा, ठीक है, पेड़े की तरह इकट्ठा हो जाएगा, इसके पार्टिकल्स अलग अलग नहीं होंगे। इससे ये होता है कि बहुत खस्ता बनते हैं। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कि इस तरह जब जुड़ना शुरू हो जाए तो समझें आपकी जो डो है वो रेडी होना शुरू हो गया। अब स्लोली से मैंने इसके अंदर पानी डाला, एकदम से पानी नहीं डालना इसके अंदर, थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर हम पानी डालते रहेंगे और एक डो इस तरह की प्रिपेयर कर लेंगे। देखें अभी ये अलग अलग हो रहा है ना आटा, इसका मतलब कि अभी हमारा जो डो है वो अच्छी तरह से तैयार नहीं हुई। 5 मिनट मैंने इसको और गूंदा था और उसके बाद मैं आपको रिज़ल्ट दिखाती हूँ। ये देखें कितनी अच्छी डो हमारी जो है वो रेडी होगी। अब जो ऑयल है वो थोड़ा सा ग्रीस करके आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं 1/2 घंटे के लिए। रूम टेम्परेचर पर भी आप रख सकते हैं, लेकिन फ्रिज में ये अगर रखें तो ज़्यादा अच्छी डो तैयार हो जाती है। इसके बाद मैंने 5 आलू को उबाल लिया, उनको मैं अच्छी तरह से अब यहाँ पे मैश कर लूँगी। मैश करने के बाद आप अगर चाहें तो इसमें चिकन वेजीज जो मर्जी इसके अंदर आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। मैंने इसके अंदर पहले डाला है धनिया, उसके बाद मैंने कैबेज डाल दिया, रिकॉर्ड नहीं की इसके अंदर मैंने थोड़ा सा चिकन भी ऐड किया था टेस्ट के लिए। तो उसके बाद जो आप स्पाइसेस चाहें, चाट मसाला, नमक, सूखा धनिया, गरम मसाला, कुटी हुई मिर्च, सब कुछ आप इसके अंदर डालें। यहाँ पे थोड़ा सा पुदीना भी डाल सकते हैं आप, सूखा पुदीना, ठीक है। हमारा जो बैटर ये भी रेडी हो गया। अब ये देखें ये एक टूल है, ठीक है, इससे बहुत मज़ेदार सा समोसा हमारा जो है वो तैयार हो जाता है, ठीक है। ये आपको कहीं भी क्रॉकरी शॉप वगैरह पे आपको इजीली ये मिल जाएगा। अगर आप चाहें तो ये हाथ से भी बहुत इजीली बन सकता है। अब मैंने बारीक सी छोटी सी रोटी बेल ली है, ठीक है। अब जो हमारा बैटर है वो इसके अंदर हम लगा देंगे, ठीक है। आपने जो आपका पास टूल है उस हिसाब से आपने रोटी का साइज़ रखना है, ठीक है। अब ये मैं जो हमारे पास रोटी है मैदे की, इसको हम इसके ऊपर रख लेंगे, ठीक है। देखिए मैं इक्वल कर रही हूँ, आपने भी इसको इसी तरह फिंगर की हेल्प से साइड्स इसकी जो है वो इक्वल कर लेनी है। इक्वल करने के बाद ज़ोर से इसको इस तरह बंद कर देना, ठीक है। और जो एक्स्ट्रा होगा ये ऊपर, इसको हमने उतार लेना, ठीक है। इसमें एक्स्ट्रा नहीं था इसलिए मैंने इसका नहीं उतारा। इसी तरह करके मैं सारे बना लूँगी, ठीक है। आप चाहें तो जो मैदा वगैरह बच जाता है उसको आप फ्रिज में भी रख सकते हैं, नेक्स्ट डे भी आप यूज़ कर सकते हैं।
ये एक मैंने छोटी सी कचौरी भी बनाई थी। तो चलें अब हम ऑयल ले लेते हैं, और ऑयल को मीडियम फ्लेम पे हमने गरम कर लिया। इसको बिल्कुल भी हाई फ्लेम पे नहीं बनाना, वरना ये डार्क ब्राउन हो जाएंगे, और डार्क ब्राउन बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। हमने इसको बहुत प्यारा गोल्डन सा कलर देना है, ठीक है। वन बाय वन करके मैंने सारे समोसे जो है इसके अंदर डाल दिए हैं। कुछ मैंने इस शेप के बनाए थे, कुछ मैंने दूसरी शेप के बना लिए थे, ठीक है। तो ये देखिए, 2 मिनट के बाद मैंने इसकी साइड चेंज की है। आप देख सकते हैं कि कितने क्रिस्पी और कितना प्यारा कलर इसके अंदर आया। तो हमारे जो समोसे हैं वो हो चुके हैं रेडी, इफ्तारी का भी टाइम हो गया। तो चलें इसको सर्व करते हैं। आप भी इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।